भाई साहब भाई साहब आंदे जी हुण इलम बड़ा आ गया भाई, इलम बड़ा आ गया ते वेल्डिंग आप कर दियो, इलम बड़ा आ गया है, बड़ा इलम आ गया है, क्या तुसी हुण मकान खुद बनांदे हो? अजे भी मिस्त्री नहीं बनांदे, अजे भी लोहे दा काम लोहार ही करदे हो? ई तुहाडा दीन दी वारी क्यों प्रॉब्लम हुंदी है कि जी इलम बड़ा आ गया सी, आप दीन तू पढ़ लेंगे। मैनू एक एवं ही बंदा मिलया, उस आख्या मैं आप जी नेट तो सुनया, मैं आख्या दूजियां गल्लां बाद विच करांगे, मैनू पहले वजू दा तरीका सिखा, वजू दे फर्ज किन्ने ने और मैं दस ए फर्ज क्यों ने। चार कम्मां दा नाम वजू नहीं, वजू तो ढेर सारे काम ने, सर दे मसे तो लैके पैरां तक धोना है, मैनू ए दस इन्हां विचों चार फर्ज ने, तो चार फर्ज क्यों ने और दूजियां सुनतां क्यों ने? भाई साहब दोबारा रिपीट करांगा अपना जुमला, मौलवी जो करता है वो छड़ दे, वो ना कर, लेकिन मौलवी जो दसदा है वो दीन है। मौलवी अपनी गल नहीं दसदा, फतवा आलिम को ही लवांगा, दीन आलिम को सीखो, कभी भी जाहिल को दीन ना सीखा गया। आज प्रॉब्लम है जेड़ा बंदा कोई एफएससी चुनस जांदा है वो मौलवी बन पांदा है, कोई बी एस सी चुनसदा है वह मौलवी बन जाता है, कोई नीम या इंजीनियर बनता है वह मौलवी बन जाता है, नेट से बह के दीन की तशरीह जो जिंदा दिल करे वह करता है। और सुनने वाले आंदे जी असीं फलाने बंदे तो बड़े जेड़ा ना वो इंप्रेस हो गए। मैं कहे भाई साहब तुहानू समझ नहीं आई, सुन लिया करो, लो मैं ये भी आ ना तुसी जिदे कोल मर्जी सुन लो, पर रब दा नाम है, कुछ पीछा परत के साडे तो भी पूछ लिया करो, बस ही सुनिया इहदा माना की। आंदे हुंदे ना नीम हकीम ते खतरा जान, नीम मौलवी खतरा ईमान। भाई साहब ये सबक है मेरा, बच्चो नेट तो दीन नहीं लेना, मैं ते आना नेट तो कोई शै भी नहीं लिया जे, पर जे तुहाडे तो गुजारा नहीं होंदा ते दूजियां तुहाडियां मर्दियां ने, दीन नेट तो नहीं लेना। ओदे उत्ते हजारां अहादीस गर्दश कर दियां, साडे बादशाह लोग बस पढ़ी आउंदे ने, सुनी आउंदे ने, आलिम बनदे जांदे ने। सुनिया असल दी तरफ रुजूए, त्रै चीजां ने जिथों तुहानूं दीन लभणा। एक दरवेश डोंगिया नहीं, डोंगिया नहीं सुचल दरवेश, दूसरा सही पढ़िया लिखिया आलिम। अक्सर इमाम मस्जिद आलिम नहीं होंदे, अक्सर वाइज आलिम नहीं होंदे, आलिम और होंदा है। ये बात याद रखना, बाज करना और नमाज पढ़ा लेना मुसल्ले ते खलो के ये आलिम होने की अलामत नहीं, ये थोड़ा जिहा पढ़ के भी बंदा मुसल्ले ते खलो के नमाज पढ़ा लैंदा है, दो एक किताबां पढ़ के भी बंदा तकरीर कर लैंदा है, ये और दुनिया है। इल्म वास्ते मेहनत करनी पौंदी, जिन्ना वो पढ़िया है उन्हां कोल बैठ के मसले का हल दरियाफ्त कीता कर। उलमा दी जन्नत च भी लोड़ होनी है, दुनिया ते दुनिया है, लिहाजा उलमा दा दामन मत छोड़ो, सच्चे उलमा ढूंढ के उन्हां नूं मिलिया कर। वक्त मेरे को थोड़ा है वरना मैं एदे उत्ते मजीद बास करनी सी। कुरान और सुन्नत चो दीन मिलेगा, कुरान और हदीस पढ़नी पवेगी फिर दीन मिलेगा, और हदीस भी अपनी मर्जी नाल नहीं पढ़नी। एक मिसाल ते इक्तिफा करांगा, बुखारी शरीफ विच रवायत है कि रसूलुल्लाह खड़े होकर पेशाब कीता। तुसी सारे खड़े होके कर दियो या बैठ के, तो फिर तुसी हदीस ते छड्डी बैठे हो। अगर कोई जाहिल सिर्फ तर्जमा पढ़ लवे ते उत्थे खलो के लगा उसी कि मैं जी बुखारी चो पढ़िया, ओदे कन तू मरोड़ के दसांगे कि एक पढ़िया अगली भी पढ़।
आयशा फरमांदियां कि अगर कोई आखे हुजूर ने खड़े होके वाशरूम इस्तेमाल फरमाया है तो दी बात ते यकीन न करना, हुजूर हमेशा बैठ के वाशरूम कर रहे तो हदीसों भी बुखारी है ची ये हदीस भी सुनने निसाई अंदर मौजूद है मगर असा उन छोड़िया तीन लिया क्यों है क्योंकि उस नु रवायत करने वाले ने हुजूर नु एक बारी वेख्या है अम्मा आयशा बीवी ने उन दिने भी वेख्या है ते रात भी वेख्या है तो हदीस केड़ी छोड़ी जाएगी केड़ी लई जाएगी ए फैसला हर हर तर्जमा पढ़ने वाला बंदा नहीं कर सकदा कि वो कर सकदा है जिदी नजर सारियां हदीसां होण और वो उसूले तरजीह तो वाकिफ होवे कि अगर दो हदीसां आ जाण तो तरजीह किस नु आसे अलामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने 100 वजूहात तरजीह लिखी हैं एक हदीस नु दूसरी एक नु छोड़ के दूसरी तरजीह देण दी 100 वजूहात रब दा नाम है चार गोलियां दा नाम आ जाए ते बंदा डॉक्टर नहीं बन जांदा कि मैं डेस्प्रीन दा नाम आ गया मैं सेप्टान दा नाम आ गया मेनू जी राइजिक दा नाम आ गया ते मैं हुण जी डॉक्टर हो चूहे नु सुट दी गड्डी लब्भी तो उसने कहा मैं पंसारी हां इंज पंसारी नहीं बंदा बनदा अम्मा जी आमना फरमा दिया ने रसूलुल्लाह दा नूर जुमे रात नु मेरे वजूद जलवागर होया है सुन वाले भाई साहब फुल चला फुल चला अजीजा ने मोहतरम 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 ज्यादा फुल भी नहीं मजेदार हो गया अल्लाह तुन बरकता अता फरमा अजीजा ने मोहतरम सुनी और याद फरमाई रसूलुल्लाह सरकार दा नूर आया अम्मा जी फरमा दी ने सवेर होई मैं बाहर निकली दरख्त मैनू सजदे करदे ने पत्थर मेरे ते दरूद पढ़दे ने मैं टुरदिया टुरदिया खूह ते गई आ खूह दा पानी आपे मेरे कदमां विच आ गया है मेहरान आए की हो रहा है मेहरान आए की हो रहा है जदों अगली रात आई अम्मा जी फरमांदियां ने मैं सो गई मैं ख्वाब तकिया है कद बड़ा लंबा है सूरत बड़ी नुरानी है मैनू फरमांदे ने आमना मुबारक होवी जागो सुनियो तब क्या को सुभान अल्लाह फरमाया आमिना मुबारक होवे मर्द की थी आप कौन हो किस दी मुबारक होवे फरमाया आमिना मेरा नाम आदम है मैं सब इंसानों दा बाबा तेनु मुबारक देना तू नबियां दे सरदार दी अम्मी बन गई है सैयदा फरमांदियां ने 9 महीने गुजरे ने मेनू 9 नबियां दी ज़ियारत होई है जिवें औरतां नूं बोझ महसूस हुंदा है मेनू बोझ महसूस नहीं होया मेरी तबीयत च कोई गिरावी गिरावट नहीं आई बल्कि फरमांदियां मैं सोनी आ मेनू सोहणे सोहणे ख्वाब आउंदे ने बीबी जी फरमांदियां ने मेनू अपने कोलों खुशबू आउंदी है अल्लाह अकबर कबीरा जदों 11 ते 12 दी दरमियानी रात आई फरमांदियां ने तहज्जुद दा वेला होया मैं महसूस कीता मेरे पुत्र दा मिलाद होण वाला है बीबी जी फरमांदियां ने सैयदा आमना फरमांदियां ने मैं सहन च उठ के कमरे विच गई हां मेरे दिल च ख्याल आया मेरे कोल कोई औरत होंदी
फरमांदियां ने कमरे दी दीवार शक होई चार औरतां अंदर दाखल होईयां ने मैं पूछया तुसी कौन हो फरमांदियां ने मेरा नाम हवा है मेरा नाम आसिया है मेरा नाम मरियम मेरा नाम सारा या हाजरा है बीबी जी फरमानिया ने मेरे कमरे च कि आई आओ फरमानिया ने आमना शाला साड़ियां भी बड़िया ने पर आज तेरे लाल दिया ताइया बन के आईया अल्लाह अकबर कबीरा सैयदा फरमांदिया ने औरतां मेरे चार चुफेरे बह गईया जदों फजर दा वेला होया मेरा घर जलती परिंदिया नाल भरिया होया जमीन ते आसमान सजे होए ने जिबरील ने झंडे लाए ले आसमान दे तारे नीवे हो गए ले हत्ता के फजर दा वेला होया खारज मिली फजर दा वेला होया अल्लाह फरमादिया अय्युहा नबी इल्ला अरसलना का शाहिदा व मुबशिरा व नज़ीरा दाइयन इलल्लाही बिइज़्निही बसिरा जम्मुनीरा सुनी मजे नाल प्यार नाल बोल के कह दे चल चढ़े आया मीना दे लाल दा चढ़ आया मीना दे लाल दा मुक गईया दुनिया तो रातां नूर मुखड़ा नाल जुल्फा कालिया सदके वारी जा सुनी प्यारे दोस्तों अजीजो याद फरमा लो ए मेरे नबी पाक सरकार दुनिया ते जलवा गरी हुई है याद कर लेना सुनिए अगर कोई बंदा उसनु नजरियाती सुनी होना चाहिए तवज्जो है कि नहीं सुनी बनो और नजरियाती सुनी बनो साडे जिले विच अगर कोई चौधरी नजरियाती सुन्नी है और सुनिया दे नाल हर वेले खड़ा हुंदा है तो उहदा नाम मोहम्मद बख्श तुसीं इंज कह लो ए सुनिया दा चौधरी इहदे नाल प्यार करिया करो इस शख्सियत नाल मुहब्बत करिया करो तुहानूं इहदे नाल मुहब्बत होनी चाहीदी इहदे नाल खड़े होवो इहदे दस्तो बाजू बणो फकीरो दरवेशो जेड़ा रसूलुल्लाह दे नाम ते नबी पाक सरकार दे दीन वास्ते खड़ा नजर आवे उस बंदे दे नाल खड़े हो जा खड़े समझ आई है कि नहीं ए साडी सुनिया दी जिम्मेदारी है कि असी पहचान करिए साडा कौन या रसूल अल्लाह आखण वाला कौन साहबा नाल प्यार करन वाला कौन है मौला अली दी मोहब्बत च डुबिया होया ते सरशार कौन साथियो रदीदो अपना बिगाना सियाणिया करो इन जुमलिया ते गल मुकावांगा जिस सुहानी घड़ी चमका ते पाका चांद उस दिल फरोज साथ बेला खोसला मुस्तफा बड़े खुशबुलू और खूबसूरत खतीब ने आले सुन्नत दे मेरे तो बाद हफ्साब दा बयान होना है।
और असली उन्होंने बयान होना है। मिलाद शरीफ बड़ा खूबसूरत बयान कर दे हर साल तशरीफ लिया तो उन्होंने बयान आप समाप्त फरमाना सारे नाल सलाम हो गया। अल्लाह ताला आप सब दी और फकीर दी हाजरी महफिल पाक कबूल फरमाए।